यूनिफॉर्म चैन, एक चैन है, यूनिफॉर्म है, इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तुमने उसको एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रख दिया है विद 1/5 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। तो उसकी लेंथ जितनी भी है उसका 1/5 पार्ट लटका हुआ है। तो मान लेते हैं उस चैन की जो पूरी लेंथ है, कंप्लीट लेंथ है, वो एल है। तो ये L/5 इसका मास लटका हुआ है यहाँ पर। तो एल उसकी एक लेंथ है जो हमारी वो चैन ओरिजिनल चैन है, और उसका मास एम है। तो देखो इस पूरी चैन का मास एम है, तो लटका हुआ जो मास होगा वो कितना होगा, M/5 ही होगा। ठीक है, आधा लटका होता तो M/2 होता। अब क्या बोलते, इसके बाद हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक टू द टेबल। अब आप चाहते हो कि ये वाला पार्ट वापस आ जाए, तो पीछे के डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाओगे। ठीक है, फोर्स लगाओगे और उससे कुछ वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन आपको निकालना है कि कितना वर्क डन हमें करना है। ठीक है, तो वर्क डन के लिए अब यहाँ पर आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये सारे फॉर्मूले भी लगा सकते हो, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। एनर्जी के हिसाब से अगर आपको इस चैन की पोटेंशियल एनर्जी पता लग जाए तो आप वर्क निकाल सकते हो। इस पार्ट की जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही हमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको मालूम ही होगा, जो आपने 9th में भी सीखा है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, MgH। ठीक है, मास, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि मास एम नहीं है, M/5 है, क्योंकि जितना पार्ट लटका हुआ है सिर्फ उसकी बात होगी, इसलिए एम की जगह पर क्या जाएगा, हमारा M/5 आ जाएगा। ठीक है, जी तो वही रहेगा। अब लेंथ भी आप देख लो L/5 है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से L/5 लिख देंगे और अपना आंसर टिक कर देंगे। लेकिन L/5 नहीं लिखना है, इसमें हाफ का भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का भी मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1/2 कहाँ से आया, देखो जब आप इसको खींचोगे तब इस पूरे पार्ट का मास आप कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे, इस पूरे पार्ट का मास आप कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे, इसके सेंटर पर। तो सेंटर मतलब आधा, तो ये जो भी लेंथ है उसका ये आधा होगा ना, तो सेंटर मास कहाँ होगा, बीच में। तो इसलिए L/5 तो पूरा है, उसका भी आधा होगा, इसलिए L/5 में हमने 1/2 का मल्टीप्लाई और कर दिया है। तो बस आपका यही आंसर है। MgL तो ऊपर लिखा ही है, नीचे 5 5 25 और 25 पर 2 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 50। उसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही है। ओके, सो आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू।